हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आपने भी एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज आज के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं और इसकी स्ट्रेटेजी आप क्या बना सकते हैं ताकि आप जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करके इस बार अपना सेलेक्शन जो है वो पा सकें। ओके, और आपको इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी बताऊँगी कि आपका एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है, तो इसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। सो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज वहाँ पर भी एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी एंड न्यू वैकेंसी से रिलेटेड छोटी से बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट करवाती रहती हूँ मैं। सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपना एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करने के लिए आपको अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखनी होगी। इसके लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने होंगे जिसको आप फॉलो करके आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको वर्क हार्ड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी, क्योंकि आपको कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आप एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि हाँ एक दिन में पढ़ लिया और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। आपको एक दिन में कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए आपको डेली पढ़ना है और डेली आपको मेहनत करना है, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, और अगर आप डेली पढ़ेंगे तो आपका 100% आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो सकता है। अगर आप मेहनत करते हैं अच्छे से तो आपका एग्ज़ाम जो है वो ज़रूर से क्लियर होगा। ओके, एंड आपको सेकंड रूल क्या फॉलो करना है, आपको डेली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन पेपर जो है वो सॉल्व करते रहना चाहिए। अगर आप डेली नहीं कर पाते हैं तो वीकली बेसिस पे ज़रूर करिए। ओके, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके बेसिस पे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप उसी बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं। सो आपको इस बात का बिल्कुल से ध्यान रखना है कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, एंड आपको नेक्स्ट रूल क्या फॉलो करना है, इसके लिए आपको लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न की ज़रूरत है, आपको न्यू सिलेबस की ज़रूरत है। आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि आप न्यू सिलेबस से पढ़ें, आप ये नहीं कि हाँ पुराना आपने देख लिया कि हाँ ये आने वाला है तो बस उसी अकॉर्डिंग किसी ने बता दिया या फिर कि हाँ ये आने वाला है उसी अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ओके, तो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको खुद से देखना है सिलेबस, न्यू सिलेबस क्या है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अदरवाइज़ अगर आप पुराने सिलेबस से ही प्रिपरेशन करते हैं तो न्यू सिलेबस में क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है उसके बारे में आपको आइडिया नहीं रहेगा और आप जो है वो पूरी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में आपको अदर क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया गया है। तो आपको इस बात का बिल्कुल से ध्यान रखना है कि आपको न्यू सिलेबस को देख के पढ़ना है। ओके, तो आपको पढ़ने के लिए क्या करना है कि आप YouTube चैनल, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, YouTube पे देखिए, Google पे देखिए, ओके, और बुक्स वगैरह ले लीजिए। अभी तो वैसे फ़िलहाल मार्केट तो जा नहीं सकते, तो आप YouTube पे ही इतना सारा कंटेंट है कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे अच्छे चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं जो आप, जिसमें आपको अच्छे से समझाया जाता है, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। एंड आपको नेक्स्ट रूल क्या फॉलो करना है, आपको डेवलप मॉडल्स एंड रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स अगैन एंड अगैन, यानी कि आपको जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी जितना भी पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते रहना है। अदरवाइज़ अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो जितना भी पढ़ेंगे आप अगर भूल जाएंगे तो फिर वो बिल्कुल माइंड से निकल जाएगा, फिर आपको फिर से दोबारा उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना आपने स्टार्टिंग में की थी। ओके, तो आपको इस बात पर भी बिल्कुल ध्यान रखना है और आपको जितना भी आप पढ़ रहे हैं आपको वीकली बेसिस पे या फिर डेली, अगर आपने सुबह मॉर्निंग में जितना पढ़ा शाम को उतना रिवाइज़ कर लीजिए एंड देन उसके बाद एक हफ्ते बाद फिर से उसको रिवाइज़ कर लीजिए। जितना भी आप पढ़ते हैं तो उसको रिवाइज़ करते रहिए, तो अगर आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो वो चीज़ आपके माइंड से निकलने नहीं पाएगी और जो है आपको बिल्कुल याद रहेगा। कुछ भी आप पढ़ते हैं तो आपके माइंड में वो चीज़ बना रहेगा, आप भूलेंगे नहीं। तो आपको इस बात पे भी ध्यान रखना है कि आपको जितना भी आप पढ़ते हैं
आप उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए। और ये भी नहीं कि हाँ एक बार रिवाइज कर लिया, मतलब एक हफ्ते पढ़ लिया उसके बाद रिवाइज कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया बस काम ख़त्म। नहीं, आपको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो है एक हफ्ते बाद उसको रिवाइज तो करते हैं, फिर उसके नेक्स्ट वीक बाद जो है फिर से उसको रिवाइज कीजिए, ताकि आप बिल्कुल भी उस चीज़ को भूलें नहीं। ओके, तो आपको हमेशा जो है अपना जो भी आप पढ़ते हैं उसको रिवाइज करते रहिए। एंड आपको नेक्स्ट रूल क्या फॉलो करना है, आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। ओके, आपको अगर मॉक टेस्ट देते रहते हैं तो आपको इस बेस पे एक आइडिया हो जाता है, आपका एक प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ आप इतने टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो आपको मॉक टेस्ट जो है वो देते रहना है, अगर हो सके तो वीकली बेसिस पे देते रहिए। ओके, अगर आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं आपको टाइम मैनेजमेंट का एक आइडिया हो जाता है, क्योंकि उसमें टाइम के अकॉर्डिंग रहता है कि हाँ आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देते रहते हैं तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, कोई भी मॉक टेस्ट ले सकते हैं, पेड या फिर अनपेड कुछ भी, आपको आप जिसमें भी कम्फर्टेबल हैं आप वो चीज़ ले सकते हैं। ओके, बट आपको मॉक टेस्ट लेते रहना है, अभी आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। जैसा कि अभी एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गए हैं और आपके पास काफ़ी सारा टाइम है, तो आप ये मत समझिए कि हाँ काफ़ी सारा टाइम है तो आराम से पढ़ लेंगे। नहीं, आपको बिल्कुल भी आराम नहीं करना है, आपको पढ़ते रहना है इसलिए ताकि आपका इस बार जो है आपका सिलेक्शन हो जाए। ओके, तो आपको पढ़ते रहना है। तो स्टूडेंट, मैंने आपको जो भी आपको रूल्स बताए हैं, अगर आप इसको अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो इसके थ्रू आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। देखिए, मेरे कहने से तो आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो जाएगा, आपको भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। मेन रूल तो आपका है, आपको पढ़ाई करना है, जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको पढ़ते रहना है। जब अगर आप खुद से ठान लेंगे कि हाँ मेरा एग्ज़ाम जो है इस बार हमको क्लियर ही करना है, तो आप ज़रूर से कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने माइंड में ये चीज़ सेट करना है कि हाँ इस बार आपको आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करना ही करना है, तो आप ज़रूर आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब अगर हम इसके एग्ज़ाम की बात करें कि इसका एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है, तो जैसा कि इसका एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन कर दिया गया था, वैसे तो अभी कोविड की वजह से कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि अभी तो कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हो सकता है कि इसका एग्ज़ाम जो है वो जून के बाद, जुलाई या फिर उसके फर्स्ट वीक या फिर मिड से इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जा सकता है, या फिर इसके बारे में कोई ना कोई एसएससी नोटिफिकेशन जो है रिलीज कर देगी। एंड स्टूडेंट, जैसे ही इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है एसएससी के थ्रू, तो आपको इस चैनल पर इसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आप मेरे चैनल पर कंटिन्यूस बने रहिए। ओके, सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो स्टूडेंट, थैंक यू।